मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं खान पान को लेकर भी अपनी अलग जगह बनाए हुए है। मुरादाबाद शहर के खान पान को लेकर पूरे प्रदेश में यहां की तारीफ भी की जाती है। लगातार यहां पर खान पान को लेकर एक नई सुविधाएं देने के लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं। मुरादाबाद के सिरसुमा दोराहा नैनीताल रोड पर न्यू शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा का शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर एस टी हसन, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव एवं मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने पहुंचकर इस ढाबे की खूब सराहना की। शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर सभी लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर ढाबे का शुभारंभ किया और कहा है कि लगातार जहां मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं खान पान को लेकर भी न्यू शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा अपनी अलग जगह बनाएगा। इस मौके पर सभी लोगों ने ढाबे के खान पान को लेकर उनकी खूब हौसला अफजाई की। सिरसुमा दोराहा से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी शाकिर अली ने भी इस ढाबे को लेकर सभी से अपील की है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इस मौके पर सुरेश यादव और सुनील कुमार ने ये कहा है कि लगातार हमारा प्रयास ये है कि खान पान को लेकर सभी को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जिसको लेकर हमने न्यू शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबे का शुभारम्भ किया है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएँ देने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारा मकसद ये है कि मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के लोग जो नैनीताल या इस रोड से गुजरते हैं, उनको खान पान को लेकर उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं। शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन, विधायक हाजी ग्राम कुरैशी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के साथ सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी को सैनिटाइजर और मास्क वितरित कराए गए। सभी का ये कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हम सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी कहना है कि लगातार समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उधर शाकिर अली का ये कहना है कि हम सब मिलजुल कर इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए काम करें और साथ ही खान पान को लेकर अच्छा संदेश देने का भी काम करें। इस मौके पर मुरादाबाद के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस ढाबे की सराहना की और ये कहा है कि खान पान को लेकर लोगों के दिलों में अलग जगह बनाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे महानगर के गणमान्य व्यक्तियों ने ढाबे की खूब सराहना की और इस मौके पर सैयद आरिफ मियां ने भी इस ढाबे की सराहना की और ये कहा है खान पान को लेकर ये लोगों के दिलों में अलग जगह बनाएगा। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और सभी ने शुभकामनाएं भी दी। देखिए, ये एक ढाबे का उद्घाटन हुआ है। ये रोड जो टांडे से नैनीताल तक जाती है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी इस किस्म के ढाबा बनने की। यहाँ टूरिस्ट वगैरह जो नैनीताल जाते हैं काला ढूंगी होते हुए उधर से गुजरते हैं, और वैसे भी इस इलाके में बहुत इस सड़क के बाद बहुत ट्रैफिक चलता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छी सहूलतें मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा और लोगों को रिफ्रेश होने का पूरा पूरा भरपूर मौका मिलेगा। विधानसभा में ये बाजपुर रोड है और इस पर कोई ढाबा नहीं था। ये न्यू शिवा ढाबा आज इस रोड पर खुला है और जितना अच्छा इंतजाम, जितनी अच्छी जगह, जितना अच्छा खाना, जितना प्यार इन दोनों पार्टनरों में, हमारे शाकिर अंसारी साहब और सुरेश यादव जी ने दोनों ने मिलकर गंगा जमनी, बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया है। मैं इन्हें दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं दुआ देता हूं कि ये होटल इतना चले ये ढाबा कि मुरादाबाद की फैमिली यहां खाना खाने के लिए आए और इसकी तरक्की हो और हमारे दोनों पार्टनर जो हैं फूले फले। आज ये न्यू शिवा ढाबा खुला है, सुरेश यादव जी और शाकिर भाई ने मिलकर खोला है और हम तो यही इस पर से कामना करेंगे कि जो तरक्की करे और बढ़िया चले, इनका कारोबार अच्छा चले और ढाबे पे अच्छा भोजन खिलाएं लोगों को, जिससे आगे बढ़े। बहुत ज़रूरत थी इस रोड पर एक अच्छे होटल की और यहाँ से टूरिस्ट गुजरता है और भी लोग परेशानी होती है। बहुत खुशी हुई है, हमें खाना खाया, मच्छर का टेस्टी खाना। क्या कहना चाहते हैं महानगर के वासियों से, यहाँ जो लोग निकल के आएंगे नैनीताल रोड पर, तो क्या कहूँगा कि यहाँ का जब भी गुजरें यहाँ पर जरूर करें, एक बार खिदमत का मौका देंगे, बहुत अच्छे प्रिपरेशन देंगे। ये सिरसुमा दोराहा है मुरादाबाद से करीब 12 किलोमीटर और नैनीताल रोड है ये।
आपने न्यू शिवा रेस्टोरेंट ढाबा खोला है और आज इसकी हमने ओपनिंग की है। सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम रखा है और उसके साथ बहुत इंतजाम के साथ हमने इसकी क्या नाम है ओपनिंग की है। कैसा खाना मिलेगा यहाँ पर? खाना यहाँ बहुत बढ़िया मिलेगा, दाल मखनी, शाही पनीर और भी जितनी क्या नाम है खाने हैं, ये सारे खाने यहाँ बनेंगे और अच्छे कम रेटों पर खाना खिलाया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आवाम से? यही कहना चाहते हैं कि दूर दराज से जो लोग इस रोड से निकलते थे, यहाँ कोई बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं था, हमने यही बात सोच के यहाँ रेस्टोरेंट न्यू शिवा के नाम से ढाबा खोला है और आवाम से कितने लोग टूरिस्ट यहाँ से निकलते हैं, सबसे ये कहना है एक बार ज़रूर खाना खा के देखें, तभी पता चलेगा कि अच्छा है या अच्छा नहीं। काफ़ी ढाबे इस रोड पे, काफ़ी उनके दुकानदारी भी है। आप जो खाना बनवाएंगे तो बहुत बेहतरीन वाला खाना बनवाएंगे और एक बार जो खा के जाएगा यह खाना वो दोबारा ज़रूर आएगा, यही हम कहना चाहते हैं और सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि एक बार मौका जरूर है न्यू शिवा रेस्टोरेंट ढाबा।